एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो मेरे चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी, जो कि है, जो सब लोग अक्सर अपने घर में बनाते ही होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि ढाबा स्टाइल आप अंडा कैसे बनाएँ, और बिल्कुल ढाबा स्टाइल अंडा बनाने की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ये रेसिपी बहुत टेस्टी है, मतलब बहुत ही पसंद आती है सब लोगों को। तो मेरे घर में तो सबको पसंद आई है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और कैसे लगी आपको मेरी वीडियो ये ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टाइल अंडा कड़ी कैसे बनाएं। तो आज मैंने 7 अंडे लिए हैं, और सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने अंडे उबाले हुए हैं, जितने भी हमें अंडे लेने हैं, तो ये मैंने उबाल के रख लिए थे और इनको, इनका छिलका उतार दिया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो अंडे हैं उन पर इस वाले फॉक वाले चम्मच से हमें इन पर छेद कर देना है ऐसे। तो इस तरीके से सारे जगह इन पे छेद कर दें, या आप कट भी लगा सकते हैं, हल्का सा आप नाइफ से इस पे कट लगा सकते हैं। आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच, ये दोनों मैंने मिला के इसको मिक्स करके रख दिया था। और टमाटर लिए थे, इनको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और प्याज मैंने रफली चॉप करके रख दिया है, इसको मैं अभी ग्राइंड करूँगी। तो इसको अच्छे से वेल मिक्स कर लें आप, और उसके बाद इसको छोड़ दें। तो ये मैंने रख दिया है, हमारा प्याज था इसको मैं, जो मैंने रफली चॉप करके रखा हुआ था, तो इसको मैं डाल दूँगी इसमें और इसको ग्राइंड कर लूँगी। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं वो इसमें मिक्स नहीं कर रही हूँ, वो मैं बाद में डालूँगी। तो इसको चलिए मैं ग्राइंड करती हूँ। तो एक फैन में मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने ऑयल ले लिया है 1 चम्मच, और इसमें मैं इनको फ्राई करूँगा। ऑयल हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है अच्छे से, तो मैं इनको फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। बिल्कुल केयरफुली करें, फिर पीते बहुत आते हैं, तरीके से मैं सारे डाल दूंगी। जब तक इन पर ब्राउन ना हो जाए ये अंडे, थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करना है हमें। बिल्कुल अपने आप को बचा के रखें, थोड़ा सा केयरफुली करें, क्योंकि तो चीजें बहुत आते हैं। तो देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इनको मैं अब एक प्लेट में निकाल दूंगी। गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इनको मैं निकाल देती हूँ। अच्छे से इस तरीके से फ्राई करें, और इसको मैं साइड में रख देती हूँ। प्याज था उसका पेस्ट बना लिया है, और इसके लिए हमें चाहिए दही। 1 कटोरी दही ली है मैंने, और दही में मैंने चुटकी भर, थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी ऐड किया हुआ है, और थोड़ा सा मैंने मिर्ची पाउडर इसमें ऐड। तो एक फैन में मैंने लिया है ऑयल, दोबारा से मैंने एक फैन में जिसमें मैं बना रही हूँ इसमें मैंने ऑयल ले लिया 1 चम्मच। आप ऑयल ऑलरेडी गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच जीरा, और कुछ मेरे ये एक मैंने लिया है इलायची, बड़ी इलायची, और दालचीनी का ये 1 टुकड़ा, और ये कुछ काली मिर्च, और ये, तो ये सारे मैंने डाल लिए हैं। गैस को लो फ्लेम पे कर लूँगी। ये प्याज मैंने इसमें डाल दिया है, अब थोड़ा सा पक चुका है, अब मैं इसमें डालती हूँ टमाटर। इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी इसमें हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार,
और गरम मसाले, और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर, और 1.5 चम्मच मैंने डाला धनिया पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को मैं ऐड कर दूंगी। इनको भी मैं मिक्स कर दूंगी और थोड़ी देर इनको पकने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक ये ऑयल ना छोड़े। तो थोड़ी देर मैं इनको ढक्कन लगा के इसको रख दूंगी पकने के लिए। तो मसाले देख सकते हैं, हमारे मसाले बिल्कुल बन के रेडी हैं। बस थोड़ी देर मैं इसको अब गैस बंद कर दूंगी, थोड़ी देर और पका के गैस बंद कर दूंगी, और उसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। और उसके बाद मैं ऐड करूंगी इसमें दही। तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी आप अगर इसमें दही ऐड कर रहे हो तो इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तो गैस देख सकते हैं, हमारा जो ये मसाले थे ये ठंडे हो चुके हैं। तो अभी भी मैंने गैस ऑन नहीं किया हुआ है, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी दही जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ था। तो ये दही सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ठंडा होने के बाद ही आप इसमें दही ऐड करें, वरना ये फट जाता है। तो दही आप इसमें वेल मिक्स कर लें मसालों में। तो इस तरीके से मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ही आप गैस ऑन कीजिए। और अब मैं कर रही हूँ गैस ऑन, और इसको लो फ्लेम पर थोड़ी देर इसको 5-10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो गाइस देख सकते हैं, जो हमारे मसाले थे ये भी हैं, देखिए। तो ये ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी है। और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी, ज़्यादा पानी आप जितना आपको इसका ग्रेवी बनानी है उतना ही पानी आप ऐड करें। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। तो अब मैं इसमें डालूँगी ये जो अंडे मैंने लिए थे, ये भी मैं इसमें एक एक करके सारे ऐड कर दूँगी तरीके से। सारे अंडे इसी तरीके से मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप देखिए, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, क्योंकि इस तरीके से हमारा अंडे की ग्रेवी और अंडे की सब्जी बन के रेडी है। आप देखिए, बिल्कुल लग रहा है ना ढाबा वाला स्टाइल। बिल्कुल दिखा देती हूँ, एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करके।